जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी राय हो, जो भी आप चाहते हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, क्योंकि हम आपको निःशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ ज्योतिष के बारे में सभी सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो उसी कड़ी में हम बात करने वाला है, किस्मत बदल जाएगी, आपकी राशि की किस्मत बदल जाएगी। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों कि बहुत से जातक पूछते हैं कि पंडित जी, क्या हमारी किस्मत ख़राब है? अभी तक इतने बड़े हो गए हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं दे रही है, क्या कारण है, क्या है? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपकी किस्मत आपको ऐसा लगता है ख़राब है, तो वो बदल जाएगी। दरअसल दोस्तों, बात ये होता है कि जो हम कर्म करते हैं उसका ही फल हमें मिलता है। फल अच्छा बुरा वो ईश्वर के हाथ में होता है। अगर आपके हिसाब से वो फल अच्छा होता है तो आपकी किस्मत अच्छी होती है, और अगर वो फल ख़राब होता है तो आपके हिसाब से वो ख़राब होती है। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। डिफरेंस इस बात का होता है कि आज घटित कोई घटना का आकलन हम अभी के संदर्भ में नहीं, वो बल्कि भविष्य के संदर्भ में उसे हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों, जो होता है पहली और मुख्य बात अच्छे के लिए होता है। बस तकलीफ ये होती है कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का प्रारब्ध भी हमें भोगना है। ऐसा नहीं 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन में मिलता है, तो उन योनियों के भी जो कर्म होते हैं, उन कर्मों को भी तो हमें भोगना होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चीज़ को आप कहीं भी इस चीज़ का चिंता न करें कि हमारी किस्मत ख़राब है। आप बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत लकी हैं जो आपको मानव जीवन मिला है, अमूल्य जीवन मिला है। बस ये होता है कि हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो सोच है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो हमारी आवश्यकता असीमित आवश्यकता है उसे सीमित होना चाहिए। यहाँ की मूलभूत आवश्यकता पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो बहुत अच्छा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सभी चीज़ें आपको मिल रही होगी। बस आप अपने सोचने का जो तरीका है ना, उसे बदल ले। मतलब उससे बदलने का मेरा संदर्भ इसलिए है, पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, ना ही नेगेटिव। आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचें अपने जीवन में, जो भी आप सोचते हैं, बड़ा सोचें, अच्छा सोचें। अब मान लीजिए उसके बाद भी बहुत बार ये होता है, बहुत प्रयास करने के बाद भी असफलताएँ हमें मिलती रहती है, सफल हो ही नहीं पाते, कितनी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको कंटिन्यू अपने जीवन में जो भी, अगर आप 10 मिनट फ्री बैठे तो श्री राम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू करें। ज़िंदगी में कंटिन्यू इन जप को अपने जीवन में उतार लें। जैसे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही ये मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंत्र कोई सा भी हो सकता है, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका, आप कंटिन्यू सतत नाम लेते रहें। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर 15 दिन तक आप कंटिन्यू जाप करते हैं ना, तो आप खुद वो परिवर्तन महसूस करेंगे जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मैं प्रैक्टिकल, मेरे ऊपर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मैं बहुत मंत्र जाप कभी भी करता हूँ और पहले भी करता था, तो बहुत सी चीज़ें जो होती है आप सिर्फ मन में सोचते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं पॉजिटिव। तो प्लीज़ इस चीज़ को मैं अपना व्यक्तिगत, आपको जो मैं उपयोग करता हूँ, जो मैं जिसे मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मंत्र जाप करना शुरू करें, आप खुद 15 दिन में एक चीज़ महसूस करेंगे जो आप कमेंट्स में आके बताएंगे। करना शुरू करें आप आज, अभी इसी वक्त से कोई भी एक मंत्र चुन लीजिएगा, ओम नमः शिवाय चुन लीजिएगा, गायत्री मंत्र चुन लीजिएगा, महामृत्युंजय चुन लीजिएगा, कोई सभी मंत्र एक चुन लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसका जाप कंटिन्यू करते रहें, तो आपकी किस्मत में 15 दिन से 20 दिन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शर्त यह है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट के बिना आपके हम कुछ भी नहीं। तो कमेंट्स में लिखिए, जय श्री महाकाल, चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।